प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेजरमेंट लैब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से हम सब लैब में अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आगे विश्वास है कि ज़रूर हम सभी लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल करंट, वोल्टेज, पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर आदि आँख से दिखाई नहीं देती हैं, यानी इनविजिबल होती हैं। इसलिए इनको मापने यानी मेज़र करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी वैद्युत मापक यंत्रों का उपयोग करना पड़ता है। यह इंस्ट्रूमेंट्स विद्युत धारा के निम्न प्रभाव यानी इफेक्ट्स को प्रयोग में लाकर बनाए जाते हैं। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा हीटिंग इफेक्ट, तीसरा केमिकल इफेक्ट आदि। हम यहाँ पर यह सब बहुत ही संक्षेप में समझ रहे हैं ताकि हमको एक्सपेरिमेंटेशन के समय आसानी हो। आपके थ्योरी कोर्स के टीचर आपको ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जनरली ECM लैब में हम दो तरह के मीटर्स को अधिक उपयोग में लाएंगे, एनालॉग मीटर्स और डिजिटल मीटर्स। अब डिजिटल मीटर्स की रीडिंग लेने में तो बहुत आसानी होती है और आजकल ज़माना ही डिजिटल मीटर्स का ही है, लेकिन फिर भी हम एनालॉग मीटर्स को प्रयोग में लाएंगे और इनको प्रयोग में लाते समय हम विशेष सावधानी रखेंगे ताकि इनकी रीडिंग लेने में कोई हमसे गलती ना हो। हम अपनी लैब में अधिकतर एनालॉग मीटर्स का ही प्रयोग करेंगे। इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि कौन सा मीटर कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करता है। वैसे मीटर्स कई प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर्स का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मीटर्स के कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल के बेसिस पर हम यहाँ पर सिर्फ तीन तरीके के मीटर्स का अधिकतम इस्तेमाल करेंगे। पहला मूविंग आयरन टाइप, दूसरा मूविंग कॉइल टाइप और तीसरा डायनेमोमीटर टाइप। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये मीटर किस टाइप का है? तो मीटर्स के मैन्युफैक्चरर्स उस मीटर के ऊपर एक छोटा सिंबल बना देते हैं जिससे पहचान में आ जाता है कि ये मीटर किस टाइप का है। जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ये एक छोटा सा जो सिंबल अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऐसा बना होता है। तो यानी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट यानी मीटर पर ऐसा सिंबल बना होगा तो वह मीटर मूविंग आयरन टाइप ही होगा। और मूविंग आयरन टाइप यानी उसके नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर एक आयरन का पीस मूव करता है जो कि मैग्नेटिक प्रिंसिपल के अट्रैक्शन और रिपल्शन पर आधारित होता है। इसका डिटेल आपके थ्योरी टीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स AC और DC दोनों प्रकार के
सर्किट्स में यूज़ किए जा सकते हैं और इनका पैमाना यानी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, शुरू में और आखिर में कंजस्टेड होता है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ्स में या स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, वह बीच में ब्रॉड होता है। अतः आप सिंबल व स्केल देखकर पहचान सकते हैं कि यह इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन है या नहीं है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स किफ़ायती होते हैं और अच्छी तरह डिज़ाइन करने पर अच्छी एक्यूरेसी देते हैं और अधिकतर कमर्शियली उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरी टाइप का मीटर यानी मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट को पहचानने के लिए ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, जो कि हॉर्स शू मैग्नेट जैसा है, आपको दिखाई देता है। तो अगर ऐसा सिंबल आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो मीटर है ये मूविंग कॉइल टाइप मीटर होगा। इस मीटर को पहचानने के लिए इसका स्केल भी देखा जा सकता है, क्योंकि मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का स्केल यूनिफॉर्म होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। यह मीटर्स सिर्फ डीसी सर्किट्स में ही यूज़ किए जाते हैं और उन पर ऐसा छोटा सा डीसी का सिंबल भी बना होता है। यह मीटर्स एसी सर्किट्स में वर्क नहीं करते हैं, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। इन मीटर्स की एक्यूरेसी हाई होती है और कंपैरेटिवली कुछ कॉस्टली भी होते हैं। तीसरा टाइप का जो मीटर जो हम अक्सर लैब में ईसीएम लैब में यूज़ करेंगे वो डायनोमोमीटर टाइप मीटर होगा। इसका सिंबल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर और वॉट मीटर्स जिनसे कि पावर मेजरमेंट किया जाता है अक्सर वो डायनोमीटर टाइप ही होते हैं और हम अपनी लैब में भी जो वॉट मीटर्स यूज़ करेंगे वो सारे मीटर्स डायनोमोमीटर टाइप हैं। इन मीटर्स को भी एसी और डीसी दोनों तरह के सर्किट में यूज़ किया जा सकता है और इनका स्केल भी यूनिफॉर्म होता है। इन मीटर्स की एक्यूरेसी भी हाई होती है। इन मीटर्स की कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि यदि किसी सर्किट में करंट यानी इलेक्ट्रिकल करंट या धारा नापनी है तो हम अमीटर को यूज़ करते हैं। इस मीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में ही लगाया जाता है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मीटर को सर्किट में बहने वाली मैक्सिमम करंट के अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करना चाहिए। यह मीटर्स विभिन्न रेंजेस में मिलते हैं। इसी प्रकार यदि किसी सर्किट में हमको इलेक्ट्रिक प्रेशर नापना हो तो हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं और इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। यह मीटर सर्किट में पैरेलल में लगाए जाते हैं। इस मीटर को सिलेक्ट करते समय हमें एसी डीसी सर्किट व वोल्टेज रेंज का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको घर में वोल्टेज नापना हो तो एसी का 0 से 250 वोल्ट का वोल्टमीटर यूज़ करेंगे
और यदि थ्री फेज सर्किट में वोल्टेज नापना हो तो 0 to 500 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर यूज करना ठीक रहेगा। यह कुछ बेसिक जानकारी अभी आपको दी गई है। आगे जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करते चलेंगे, आपको उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित सभी जानकारी उसी समय दी जाएगी।